हेलो, वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एबीपी पल्स में। तो भैया लोगों के लिए एक सूचना है कि अगर आप किसी मतदाता का नाम काटना चाहते हैं अपने वोटर लिस्ट से, मृतक मतदाता का, तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको फॉर्म 7 भरना पड़ेगा। तो फॉर्म 7 भरने के लिए आपको येलो ऐप में जाकर आपको ये देख सकते हैं जो मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। स्टेप बाई स्टेप आप देख कर किसी भी मरे हुए व्यक्ति का फॉर्म 7 भर सकते हैं। इसके लिए आपको टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम देना होगा। तो एप्लीकेंट का जो इपिक नंबर होता है, यानी मृतक व्यक्ति का, उसके घर के या फिर बेटे का या फिर उसके कोई भी, मतलब पति, बेटा, बहू, इसी का भी, आप उसी घर का मतदाता होना चाहिए। तो उसका इपिक नंबर लेकर आप यहाँ सबमिट कीजिए। ध्यान रखिएगा कि पिक नंबर क्या है, जो लॉजिकली जो हैवी चल रहा है उसका पिक नंबर वही सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपको ध्यान रखना है डिलीशन ऑफ इलेक्टर फॉर वाले ऑप्शन के बाद जो है सेम पिक लगा हुआ है, इसको हटा कर आपको मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये अदर ऑप्शन दिख रहा है आपको, अदर इलेक्टर, एक मिनट मैं मार्क करता हूँ। अदर इलेक्टर पे ही आपको टाइप करना है, तो ही आप जाकर जब फॉर्म भरेंगे तो आपको डेथ वाला ऑप्शन शो होगा, वरना होगा ही नहीं। इसके लिए करने के बाद आपको यहाँ पे जो मृतक व्यक्ति है, मृतक व्यक्ति का यहाँ पे आपको इपिक नंबर टाइप करना है। और यही लोग गलतियां करते हैं कि मृतक व्यक्ति का लोग ऊपर विक्टिम डालते हैं, तो ये गलत करते हैं। उससे क्या होगा कि आपको वो डाटा मिलेगा नहीं, वो डेथ का ऑप्शन आएगा ही नहीं। इसलिए आवेदक ऊपर रहेंगे और मृतक या फिर शिफ्टेड जो भी हो, जिसका जो हो रहा है उसको नीचे डालेंगे, गवाही देने वाले का ऊपर। डालने के बाद सबमिट कीजिए। सबमिट करते ही ये एप्लीकेंट का डाटा आ गया, देख सकते हैं। ये डाटा जो है एप्लीकेंट रमेश और कपिल देव जो है ये एप्लीकेंट है, और ये ऑब्जेक्ट में जानकी, यानी ये मृतक है, इनका नाम कटना है। ठीक, दोनों पे टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद देखिए डाटा गया, सेव कीजिए। आगे मोबाइल नंबर मैं रैंडमली कुछ भी डाल देता हूं, आप अगर आवेदक का नंबर है, एप्लीकेंट का नंबर है तो उसे आप डाल दीजिएगा। एप्लीकेंट डिटेल्स यहाँ पड़ेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एप्लीकेंट। अब रीजन आएंगे, देखिए रीजन, देखिए डेथ, अब ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे डेथ का ऑप्शन। करने के बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे सब फुल इंफॉर्मेशन फिलअप कर दीजिए। हाउस नंबर, स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड, जो भी है, मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। चकमेदनी नंबर 2, चकमेदनी नंबर 2, आराम से आप वीडियो को तफसील से देखिए, लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको समझ में आए फॉर्म 7 में मृतक व्यक्ति का भरते कैसे हैं। लोग दिक्कत भी बीएलओ से पूछती है हमेशा, बीएलओ प्रॉब्लम ज़्यादातर यही होती है कि डेथ वाला ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो डेथ वाला ऑप्शन तभी दिखाई देगा जब आप फॉर्म को सही से भरेंगे। इसलिए वीडियो को आराम से तफसील से देखें। प्लेस डाल दीजिए, प्लेस कंप्लीट हो गया, सबमिट कीजिए। अब ये फॉर्म जो है दोस्तों फिलअप हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेंट्स का डिटेल आया हुआ है, एप्लीकेंट्स का डिटेल्स, ये रमेश जो है एप्लीकेंट है हमारे, उनका ये पिक नंबर है, उनका मोबाइल नंबर। ठीक, नीचे आएंगे थोड़ा सा,
देखेंगे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट में जो डेथ ऑप्शन लगा हुआ है, ये रीजन जो दिया गया है डेथ का लगा है, और किसके लिए लगा है वो नीचे दिखाएंगे आपको। ये लगा है हमारे जानकी जी के लिए। देवरिया सबमिट, हम ये सबमिट करिए, यहाँ पर जाके सबमिट कर दीजिए। हटा दो थोड़ा सा, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए रेफरेंस नंबर आ गया। तो इस प्रकार आप फॉर्म 7 मृतक व्यक्ति का भर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।